ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यू नीड अ पिक्चर? How much do they charge for a picture? I'm not sure though. If you want, you can ask, but I think it's like $20. Really? तो टाटिया ने बता रही है कि $20 लेते हैं आमतौर पे पिक्चर के लिए, सिर्फ एक फोटो के लिए। मतलब इंडिया के इतने 1600 रुपये। एकदम से ही ठंड होगी यहाँ पे, काफ़ी गर्मी थी मतलब एक दो हफ्ते पहले तक, कल शाम से लेके ज़्यादा ठंड होगी। और मेरे पास सर्दियों के कपड़े है भी नहीं खरीदने हैं मेरे को। Yeah, I'm headed to the bus, then I'm ballin' like yeah. I ain't looking at the clock, still ballin' like Brock. When I get high. ये कैसी है लाल कार्ट है, इधर जगह जगह ये कार्ट्स है खाना खाने के लिए, जो कि रात को इधर लेट तक खाना मिलता है इन कार्ट्स पे यूजुअली। होटल न्यूयॉर्क सिटी बहुत ज़्यादा महंगी है, और आप अगर सोच रहे हो कि सस्ते यहाँ पे खाना खा सकते हो तो पॉसिबल नहीं। देसी आदमी है, कैलकुलेटिंग डॉलर विद द 80, चेंज योर थिंकिंग मैन, फॉरगेट इट, डोंट से न्यूयॉर्क इन 20। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना तो वो अंकल से आए और बोले कि भी देसी लोग तुम ऐसे ही हो, सारी चीज डॉलर को पैसे में कन्वर्ट करते हो, रुपीज में, डॉलर को डॉलर में बोला करो। तो मेरी उनसे थोड़ी देर बात हुई और मतलब ऐसे एक्ट करते कि भी यहाँ क्या कर रहे हो, बोला आप कहाँ से, बोला मैं भी इंडिया से। लेकिन बात ये है कि वो कौन सा, जो मेरी ऑडियंस है आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपको कौन सा डॉलर पे पैसे भेज रहे हैं, आप लोग तो सारे इंडियन रुपीज मंगवाते हो, और वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं उसके लिए थोड़ी बना रहा था वीडियो, वो अपना काम से काम रखे। और मेरे को आगे बोल रहे हैं कि भी तुम लोग इंडिया वाले कन्वर्ट क्यों करते हो, खुद इंडिया के, और फिर बोलता है यहाँ पे क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई। इधर आप किसी भी बार में जाओगे ना तो आपको कम से कम एक बियर $10 की पड़ेगी, पर यहाँ पे टिप का कल्चर बहुत ज़्यादा है, 20% टिप देनी होती है, यानी कि $12 सस्ती 1000 रुपये की सबसे सस्ती बियर। लेकिन ये जो बार है बिल्कुल टाइम स्क्वायर पे, आपने देखा जिमी कॉर्नर, वहाँ से हम चल के मेरे ख्याल 100 मीटर भी नहीं आएंगे, और इधर ये बार है, यहाँ पे न्यूयॉर्क के सबसे सस्ते बार्स में से एक है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, देखते इधर प्राइसेस। भीड़ देखो इधर यार, पूरा फुल है, पूरा पैक है। भाई इधर तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी, पर मैं आपको फिर भी प्राइस बताता हूँ, $5 की थी अंदर, लेकिन मिनिमम $10 का आपका ऑर्डर होना चाहिए, उससे कम में ऑर्डर नहीं लेते। तो एटलीस्ट आपको दो बीयर ऑर्डर करनी पड़ेगी अगर आप अकेले जाते हो, या फिर कोई महंगी ड्रिंक लेनी पड़ेगी, प्लस 20% की टिप देनी पड़ेगी, यानी कि $2 $10 के बिल पर। तो $12 तो आपको यहाँ पे भी देने पड़ेंगे, इससे सस्ते में आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते न्यूयॉर्क में। और ये चीपेस्ट था, सबसे चीपेस्ट मान लो, सुपरमार्केट से भी लोगे तो वहाँ भी मेरे ख्याल $5 का एक कैन आता है, वहाँ पे बस यूँ टिप नहीं देनी पड़ती सुपरमार्केट्स में। इधर यहाँ पे आई हैव हम, यहाँ साथ में ये कि आयरिश पब है, दिस वन मे बी, हाँ इधर भीड़ कम है, इधर चलते हैं अंदर। ये इधर का मेन्यू है, आप देख सकते हो सारे डॉलर्स में प्राइसेस, जैसे सैंडविचेज या रैप $17, वही इंडिया के 1200-1300 से कम कुछ भी नहीं है। तो इस बार मैं आया हूँ और ये भी पूरा पैक्ड है, मतलब ये बोल रहे हैं आप खड़े होके ऑर्डर कर सकते हो, कुछ पर बैठने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, पूरा फुल है। आई डोंट वांट टू स्टैंड, लेट्स जस्ट गो आउट देयर। यहाँ पे $10 की एक बियर थी अंदर, एक आपको ग्लास लेना तो बियर का $10 का था, वही इंडिया के 800 रुपये प्लस 20% टिप, यानी कि इंडिया के 1000 रुपये कुछ का एक गिलास। इधर ना ये देखो सीवरेज में से ये स्टीम सी निकलती रहती है, और ना सड़कों पे काफ़ी बदबू आती है न्यूयॉर्क में,